भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने युवाओं को फ्री मोबाइल और टैबलेट वितरित किए हैं। प्रदेश के 1,00,000 युवाओं को फ्री मोबाइल और टैबलेट मिलेगा और इस योजना के पहले चरण की शुरुआत लखनऊ से की गई है। इकाना स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य के हर जिले के छात्र छात्राओं को टैबलेट एवं मोबाइल फोन दिए जाए। अटल जी की कर्म भूमि रही है और देश के अंदर 6 दशक तक भारत की राजनीति को उन्होंने जिस शुचिता पारदर्शिता के साथ एक नई दिशा देने का कार्य किया था, वह पूरे भारतवासियों के लिए सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले प्रत्येक जनप्रतिनिधि के लिए और जीवन में सार्वजनिक क्षेत्र को अपनी सेवा का माध्यम बनाने वाले युवाओं के लिए वह सदैव प्रेरणादायी बना रहेगा। आज अटल जी भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अटल जी की प्रेरणा हम सबको दिशा निरंतर देती रहती है। सोच कभी छोटी नहीं होनी चाहिए, बड़ी सोच होगी विराट सूट सोच आपके व्यक्तित्व को भी एक नई विराटता प्रदान करेगी। संकुचित सोच एक संकुचित दायरे में हमें कैद करके रखती है। सोच हमें न घर की रखती है न घाट की बनाती है और इसीलिए विराट सोच के साथ खड़ा होने की एक जज्बा हमारे मन में होती है और कभी भी जीवन में हताशा और निराशा को अपने सामने नहीं पटकने देना चाहिए। इस जज्बे के साथ जब हमारा युवा साथी कार्य करेगा तो दुनिया के अंदर सब कुछ कर देगा जो अपने समय में तमाम युवाओं ने करके दिखाया है। और मैं आज इसी आह्वान के साथ अटल जी के जन्म दिवस पर इस सुशासन दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सभी युवाओं को अटल जी की उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए एक नए जज्बे के साथ खड़ा होने के आह्वान के साथ ही आप सबका आह्वान करने के लिए मैं और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री और प्रदेश